अजीज तल्लाह तालिबान, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सैयद अल्ताफ हुसैन, स्कूल का नाम एंगलोर टू हाई स्कूल मारू, ताल्लुक यावल, जिला जलगांव। अजीज तल्लाह तालिबान, हम दुनिया में वाकई बहुत सारी चीज़ों का मुशाहिदा करते हैं। देखा जाए तो तमाम की तमाम चीज़ें मादे से मिलकर बनी हुई हैं, पर हम ये देखेंगे मादा कहते किसे हैं। प्यारे बच्चों, हर वो शय जो कमियत रखती हो और जगह घेरती हो उसे मादा कहते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर ये एक चौक है, इसे मादा कहेंगे। अब इस चौक को हम मजीद तकसीम कर सकते हैं। अब इस चौक को हमको मजीद इतना तकसीम करना है बारीक बारीक जर्रात में, और इसका वो जर्रा हमें हासिल करना है कि उस दर्रे को हम मजीद उससे ज्यादा तकसीम नहीं कर सकते। वहां पर एंड हो जाएगा, वहां पर तकसीम का अमल खत्म हो जाएगा, उसको हम मजीद बारीक नहीं कर सकते। तो मादे का वो जो जर्रा होगा, नहायत ही बारीक तरीन, नाकाबिले तकसीम पजीर, उस जर्रे को हम कहेंगे जौहर। और अजीज तलबा, ऐसे जौहर, ऐसे यकसा ख्वास वाले जौहर के मिलने से उनसर बनता है, और उनसर यकसा ख्वास रखने वाले 118 अनासिर को साइंसदान दरियाफ्त करने के बाद यह मसला पैदा हुआ कि इनको एक ही जगह रखना नामुमकिन हुआ। तो इसलिए साइंसदानों ने इनकी तबई खसूसियात और कीमियाई खसूसियात की बिना पर इन अनासिर को अलग अलग जमातों में जमातबंद किया गया। कुछ अनासिर ऐसे निकाले जिनकी कीमियाई खसूसियात और तबई खसूसियात यकसा होने की बिना पर उन्हें धातुओं का नाम दिया गया। बाकी कुछ अनासिर ऐसे थे जिन्हें अपनी कीमियाई और तबई खसूसियात की बिना पर उन्हें अधातों का नाम दिया गया। इसके बाद कुछ अनासिर ऐसे थे, ये देखा गया कि जिनके अंदर धाती खासियत भी मौजूद थी और साथ ही साथ अधाती खासियत भी मौजूद थी। तब ये मुश्किल पैदा हुई कि इन अनासिर को कौन से जमात में रखा जाए। तब इन अनासिर को साइंसदानों ने तीसरी जमात जमातबंद किया और उसको नाम दिया गया धातुमा। इस तरह से अनासिर को तीन जमातों में जमातबंद किया जाता है, जमात नंबर एक धात, जमात नंबर दो अधात, और जमात नंबर तीन धातुमा। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास आठवीं का साइंस मजमून का एक सबक नंबर 7 धात अधात के बारे में मालूमात हासिल करें।